दोस्तों ये है राउंड शेप वाला पिल्लर, यानी कि विंडो बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों ने राउंड शेप की चुनाई की है। तो राउंड शेप की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, और ये है जहाँ पर मैं राउंड शेप के पिल्लर में साउल को करूँगा। तो ये सबसे पहले रख देता हूँ मैं ईंट को राउंड शेप वाली जगह पर, यहाँ पर रख दिया मैंने ईंट को। अब ईंट को जो ईंट ये साउल है, इस साउल के जो ऊपर का कॉर्नर है, इसको मैं सामने अंदर की तरफ से ही साउल करूँगा, क्योंकि मैंने अंदर से ही जुगाड़ कर रखा है। आपने देखी होगी मेरी वीडियो, इसमें मैंने बता रखा है कि साउल अंदर की तरफ से ही है, तो उसमें मैंने दिखा दिया है इसमें। अब ये देख लीजिए, मैं सामने से साउल कर रहा हूँ इसकी, जो पिल्लर का जो सामने की बगल है, मतलब आमने सामने की राउंड शेप वाली है। पूरी वीडियो इसमें आ नहीं पा रही, थोड़ी सी अभी आएगी, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये थोड़ा सा ये तिरछा करके, जब आ पाएगी ये देख लीजिए। ये ईंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके, और बिल्कुल आप, मैंने तो बताए रखा है कि साउल किस प्रकार से की जाती है, वो मेरी पुरानी वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो। और इसमें भी बिल्कुल हल्की सी की जगह बचे होनी चाहिए, साउल के ऊपर का केंडा बिल्कुल बराबर टिका हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको ऊंचा नीचा करते हो। उसी हिसाब से ईंट को अपना आगे पीछे हल्की सी सरकाते हैं, ये देख सकते हो आप। और ये बीच में जो जगह खाली थी, और हर एक ईंट का जोड़ भी काट रखा हम लोगों ने। वीडियो तो आप लोगों ने देखना एक बार, बहुत ही अच्छी वीडियो है। शायद यूट्यूब में इस प्रकार की वीडियो नहीं होगी, राउंड शेप वाली वीडियो मैंने की बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना,